अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको ये बैंड करने लगी हूँ और साथ इनका बैक पे देखती हूँ। इनके थिन बाल हैं तो हमने इनको कैसे अच्छे वॉल्यूम की तरफ लेके जाना है ताकि इनका बाल थोड़े वॉल्यूम आए। बहुत थिन बाल हैं, ये कट भी हम इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा इनको फ्रंट इनका हैवी लगे। इसके साथ ही हम इसको फ्रंट फॉरवर्ड में ले लेते हैं और बैक से हम फिर इनका ये आपने गाइडलाइन लेनी है फ्रंट से, दोनों को इक्वल काटना है। राइट लेफ्ट दोनों आपने मिला के गाइडलाइन लेनी है एक जितने। ये हमारे पास आ गई गाइडलाइन इसकी और इसकी। अब हम इसके साथ ही गाइडलाइन लेते जाएं और साथ साथ ये कट देते जाएं। ये देखिए ये आ गया ना इनका। इसी तरह हम दूसरी साइड करेंगे। ये हमने गाइडलाइन ली है, इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा पार्ट पीछे से लेते जाना और इसको कट करते जाना। ये देखें ये कैसे पतले से रफ से बने हुए हैं सारे। हम ये डेड जो इनके हैं वो निकाल देते हैं। अब हम बैक पे पार्टीशन करके बैक पे वॉल्यूम देंगे, इनके डेड बाल निकाल देंगे। ये हमने पार्टीशन कर ली हाफ हाफ। इसके साथ हमने देखने हैं कि कितने इनकी कितनी इनकी ये लेंथ आनी है, इतना वॉल्यूम आ रहा है। इस ये थिन बाल हम निकाल देंगे। ये हमने गाइडलाइन ले ली, इसी तरह हमने दूसरी थोड़ा सा लिया और हम इसका उतने ही ले रहे हैं ताकि इनका वॉल्यूम अच्छा आ जाए। इसी तरह हम ये साइड लेंगे। ये हमने गाइडलाइन ले ली, इसी गाइडलाइन के साथ हम चलती हुई इसको कट करेंगे। अब हम ये फ्रंट वाले बैक पे लाएंगे और देखेंगे कहाँ तक इनका फ्रंट आ रहा है। ये फ्रंट ये आ रहा है फ्रंट लेयर। इधर से भी हम ये इनका ये लेंगे फ्रंट हमारा कहाँ पे आ रहा है। अब हम ये ऊपर वाला पार्ट उठा के
चेक करेंगे कि थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर देंगे। इस तरह सीधी मांग निकाल के आपने ये वाला टॉप वाला पार्ट उठाना, इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट ले लेंगे। सेकंड पार्ट लिया, इसी तरह हम स्ट्रेट मांग निकाल के सेकंड पार्ट ले लेंगे। फिर हम इसको उसी तरह कट करेंगे। ये इनका मुकम्मल फ्रंट इनका ऐसा कर दिया, और ये होते हुए इनका ये कंप्लीट इनकी लेयर दे दिया। अब इसका वॉल्यूम देखें, हैवी लग रहा है ये ऊपर वाला स्टेप, इसका यहाँ तक आ रहा है जी। ये देखिए इनका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थिन थे बाल, तो अब इनका